अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। हेमंत भैया ने उनकी और नानी माँ की फोटो भेजी है, ये देखिए। तेरा लॉजिक ये कहता है कि नानी माँ ने अपना एलियन स्वरूप छुपाने के लिए गलती से ये रूप लिया। और ये राज मैं सबके सामने लाऊंगा नानी माँ की मदद। ये मैं कुछ चार पांच इंसानी औरतों की तस्वीरें लाया हूँ, इनमें से एक रूप ले लीजिए आप प्लीज। लेकिन पापा मैंने मेरी नानी माँ के साथ वाली फोटो भेज भी दी है भैरवी दीदी के मोबाइल फोन पे। ए देखो, आपने ना वर्षा की शादी में तीन तीन फंक्शन मेरे बिना कर लिए, अब एक फंक्शन मेरे साथ तो करो। मेरी सासू माँ आपको वाकई में उर्वशी ढोलकिया लगी? वो कैसे हो सकती है उर्वशी ढोलकिया? अरे पण घोटाला भाई, उसके नाक आंख कान सब सेम टू सेम उर्वशी ढोलकिया जैसे। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ लेकिन क्या है ना, देखिए ना, अभी मिसाल के तौर पर ये बताइए ये कौन है, पहचानिए। ये दिखाओ, ये तो प्रियंका चोपड़ा है। हाँ देखा, खा गया ना धोखा अभी। धोखा? हाँ ये वो पुष्पगंधा सिंह शेरावत है। दिल्ली में रहती है, 55 साल की महिला है ये। के बोल रहे हो घोटाला? हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं। क्या आजकल ये ना फैशन चल रहा है तुम इंसानों में? हम इंसानों में प्लास्टिक सर्जरी करवाने का। इसका मतलब तुम्हारा मदर इन लॉ ने? हाँ बिल्कुल। क्या हमारे सूर्यनगर में ना ऐसे किसी ने इनको ऐसे यहाँ से ऐसे देखा, बोले माँ जी आप बिल्कुल उर्वशी ढोलकिया जैसे दिखती हैं। बस बुखार चढ़ गया डिफेक्टिव दिमाग में। डिफेक्टिव दिमाग? बिल्कुल। ये क्या है? ओह डिफेक्टिव का नाम लिया। और पापा मैंने मेहमानों के लिए चाय बना ली। हाँ तो बेटा वेरी गुड, दे दो ये लीजिए। थैंक यू। चाय ऐसा कैसा मैन? रानी अंकल आप ही ने तो मुझसे बोला था कि हेमंत चाय एकदम की। अरे एक मिनट मैन, वो मडर सॉइल को हिंदी में क्या बोलता है? हिंदी को सॉइल और मड को मिट्टी। हाँ आप ही ने तो कहा था चाय मिट्टी बनाना और ओहो, एक ही लाइन में दो दो बार अटक रहा है। एक मिनट, वो अपना वॉचमैन का नाम क्या है? खड़क सिंह। हाँ इन्होंने ही बोला कि हेमंत चाय एकदम मिट्टी और खड़क बनाना, तो आप खाके देखिए ये मिट्टी भी है और खड़क भी। ओहो हो, तुमने कड़क का खड़क किया, तुम समझा ना मैन। अरे रोनी मन कर रहा है चाय फेंक के मारूं तुम्हारे मुंह पे। भाई ऐसा कोई चाय बनाता है? हाँ झालर साथ में घटोड़ा भी दे देता, अब मैं इसे खाऊंगा कैसे? ला वाला तो एक्चुअली में खाने वाले हैं चाय को। हाँ वो इतने प्यार से बनाई टाबर ने, तो मैंने सोचा। अरे चुप रहा हूँ मैं, खाएगा ये? ये खाउदरी राजस्थान एक्सप्रेस को छोड़िए और इसे देखिए, ये टोटल भैरवी का भाई है। नहीं 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 नहीं, ये टोटल
मेरी सास का पोता है। मतलब ये जो गिरी आई है ना इसमें, वो इसके नानी के थ्रू ही आई है। काफी खमा घड़ी भाई, क्या बात, मारे घर में दरबार जमिया है। हाँ हाँ, थारी कृपा है नानी सा। ये घोटाला, ये इसने ऐसा कपड़ा क्यों पहना है मैन? ये ई का मेन सेंटर यही है, इसीलिए कुछ भी पहनती रहती है ये। मुरली भाई सा, विग संभालना। ओ सासू माँ, विग विग गिर जाएगा। अरे तुम चुप करो, वर्षा की फूलती किस्मत कुमार। बसंत भाई, इनके बाल नकली है? हाँ हाँ, देख क्या, दांत, नाक, आंख, मुंह धो रही थी तो ऐसे बाहर आ गई थी, सब नकली है वो। ये चकाचक जो आपको त्वचा दिख रही है ना, सब प्लास्टिक सर्जरी। मतलब बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम? नहीं नहीं, पागल बूढ़ी घोड़ी और नो लगाम भद्रेश। कॉलोनी वाले कन्विंस हो गए कि वसंत अंकल की सासू माँ थोड़ी ही है। हाँ तो मुझे कौन सा साबित करना था कि वो विद्वान है, चतुर है, और वैसे भी ये मेरे लिए अच्छी खबर है। वो कैसे? देखिए, नानी माँ है उल्टी खोपड़ी और उनको है वसंत अंकल पे बेवजह का गुस्सा, तो उनको मेरी पार्टी में करके तू वसंत अंकल का असली स्वरूप सबके सामने लाएगा। लेकिन प्रीतेश, इससे तो कॉलोनी में तहलका मच जाएगा। सिर्फ कॉलोनी में ही नहीं, पूरे देश में। और एलियंस की खोज करने पर मुझे मिलेगा नोबल प्राइज। हाँ हाँ हाँ, मैं वो कबूल करूँगा और आप सब लोग तालियां बजाएंगे। पापा, इसके बाद वो सब भी डालना। हाँ बेटा, मैं सब डालने वाला हूँ। क्या कर रहे हैं आप? वो पापा जा रहे हैं। बाय बाय। अरे क्या बाय बाय, ये क्या कर रहे हैं बताइए ना। कुछ नहीं रहना यहाँ पर, तुम ही रहो अपनी माँ के साथ, घर छोड़ के जा रहा। ओ, ये सास और दामाद, अब क्या किया माँ ने? बताओ, नानी माँ ने पापा के ऐसे पोस्टर लगाए हैं गली गली में, फॉर सेल वसंत घोटाला, वर्किंग कंडीशन ₹40 ओनली, नेगोशिएबल। देखा तुमने, देखा, ₹40 कीमत रखी है मेरी, वो भी नेगोशिएबल। मतलब कोई भी आ रहा कह रहा है सर, दे दो ना ₹10-12 में, ऐसे करके मुझे लेके जा सकते। ये ऐसे फोटो छपवाई माने? तुम इसे फोटो में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है? नहीं, मेरे कहने का मतलब था, अच्छा क्या हुआ? आज सुबह मैंने सासू माँ के लिए गरम गरम आलू के पराठे बनाए, तो उसमें थोड़ा तेल ज्यादा पड़ गया, पूरा सारा तेल पोंछ दिया। हाँ तो मेरे मुंह को, इसलिए मैं नहीं रहना चाहता यहाँ पे। सुबह होती बैड मॉर्निंग दामाद जी, रात होती बैड नाइट दामाद जी, कितना सहेगा आखिर के लिए।
कितना भी करो कभी पड़ता है। सुबह से शाम भर भर के काम करता हूँ मैं, इसलिए मैं के जा रहा हूँ। सुनिए ना आप, अरे सुनिए ना वो, आप रोना बंद कर दीजिए प्लीज। क्या बचपन है बसंत? बचपन ही करना पड़ेगा ना, जब तुम्हारी माँ इसकी नानी माँ से यौवना करने पर उतर आई है। मतलब? अरे गेंडे बोल कुछ बोल। नानी माँ ने आप दोनों की शादी के लिए स्पेशल फंक्शन रखा है। कैसा फंक्शन? तो कह रही है कि वो तो अरेबियन स्टाइल का फंक्शन तो हो चुका है, बाद में वो अंग्रेजी स्टाइल का फंक्शन भी हो गया है, राजस्थानी स्टाइल का फंक्शन भी हो गया है, शादी तो तुम दोनों की वो गुजराती स्टाइल में होने वाली है, तो कुछ यूपी बिहार स्टाइल का कोई स्पेशल फंक्शन रखते हैं, जैसे पूरे देश को खुश करने निकली है ये। यूपी बिहार? तो सोचो तुम्हारी माँ इस गेंडे की नानी माँ, ऐसे शिल्पा शेट्टी के अंदाज में आएगी। प्रणाम नानी माँ। अरे हमारा मुन्ना बबुआ छोटू, हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, लेकिन सबसे पहले हम अपनी बिटिया वर्षा को आशीर्वाद देंगे। हाँ फिर तोहर को दिखावत है नानी माँ का जलवा। सदा सुहागन रहो, अगले जन्म में तुहार को इससे भी अच्छा पति मिले। अच्छा बिटिया, ये चौथा फंक्शन है ना तुम्हारे शादी का? लेकिन इस फंक्शन में लेडीज नॉट अलाउड। अरे बिटिया ये फंक्शन तो खड़क सिंह के नाम का है। अब तुम जाओ। अच्छा जाके उधर बैठो, अब दिखाती हूँ तुम्हें नानी माँ का यूपी बिहार स्टाइल फंक्शन। जा बैठो बैठो। नानी माँ बसंत, ऐसा मेरा मतलब है आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक बार शादी हो जाएगी ना, माँ तुरंत चली जाएगी 6-7 महीने के बाद। अच्छा 6-7 दिन के बाद? अच्छा ना आपका ना मेरा शादी होते ही माँ से कहूंगी कि तुरंत चली जाए अपने ग्रह। अब्बा ठीक से कीजिए ना यहाँ पे। बेटा तू दूर हट। पापा यहाँ। दामाजी, दामाजी। पापा नानी माँ आपको बुला रही हैं। मुझे? नहीं बेटा। अरे चपड़गंजो, अब भटीजर कुमार। वो ऐसा बुलाती है मुझे, है ना? हाँ हाँ। घोचू और फालतू कुमार भी बुलाती हूँ। इसलिए क्या ना, आपने जब दामाद जी ऐसा कहा ना तो मुझे ऐसा लगा आप किसी और को बुला रही, इसलिए मैंने नहीं देखा। आपके मुंह में तेल नमक, आपके मुंह में घी शक्कर, ऐसा कहते हैं। हाँ लेकिन वो तब कहते हैं जब सामने वाला पसंद हो। पापा इसका मतलब नानी माँ आपको पसंद नहीं करती। चुप हो जा बेटा। तू क्या हंस रहा है? बाप हूँ मैं तेरा बाप। हाँ हाँ उसे पता है ये बात, बार बार उसे ये याद दिला के उसका जी मत जलाइए। अच्छा वैसे भी मुझे वर्षा ने कहा है कि आप लोगों की शादी के बाद मुझे तुरंत अपने ग्रह वापस जाना है। नहीं नहीं आप यहाँ नहीं रह सकते, आपको यहाँ से जाना ही होगा। हाँ मुझे मंजूर है। नहीं 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 मंजूर है क्या, आप देखिए खामखा जिद मत कीजिए, आपको जाना होगा क्योंकि वरना कॉलोनी वाले
नानी माँ कह रही हैं कि उन्हें मंजूर है। मंजूर है? हाँ, शादी होते ही मैं तुरंत। प्रॉब्लम एक दो प्रॉब्लम चलेंगे चलेंगे। जब मैं आपकी शादी वर्षा से होने ही नहीं दूंगी तो मैं वापस जाऊंगी कैसे? हेमंत आप रोकेंगी शादी? कैसे रोकेंगी आप शादी? कैसे रोकेंगी? गला नीचे रखे बात करिए। गला नीचे नहीं, गला भी ना ऊपर ऐसे गला फाड़ के बोलूंगा कि आप शादी रोक कर दिखाइए। आप मेरी और वर्षा की शादी रोक कर दिखाइए। अगर आप उसमें कामयाब हुई ना तो आप रहेंगी यहाँ पर और मैं अपनी वर्षा से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा अपने घर पर। ये मेरा चैलेंज है। इतना बड़ा चैलेंज? ए घंटे। हाँ पापा। हाँ। मैं तनवर हूँ। तू साक्षी है? हाँ तो साक्षी आंटी की सरनेम तनवर ही है ना नानी माँ। आप शादी रोक कर दिखाइए, मैं आपको चैलेंज करता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, चैलेंज एक्सेप्टेड।